क्वेश्चन किया गया कि अमीर हुसैन जाफरी से लोगों को मोहब्बत हो जाती है, लोग जो हैं, देयर इज सम पॉजिटिव ऑरा अबाउट दिस पर्सन जो कि हर इंसान को मुतासर करता है. जब मुझे ये ख़बर मिली, मेरे ख्याल में 24 जनवरी का दिन था, डॉक्टर खालिद का मेरे पास फ़ोन आया और उन्होंने मेरे साथ ये ख़बर शेयर की. उस वक्त मैं बैठी कुछ अपना लिखने पढ़ने का कुछ काम कर रही थी और एकदम एक सकते में मैं चली गई कि ये कैसे हो सकता है, महफिल में इतनी बातें करने वाला इंसान और मैं तो इनको नौजवान ना सही तो जवान तो मैं ज़रूर कहती हूँ, तो ये तो वक्त ही नहीं है कि ये खामोश हो जाए इस तरह से. अगले ही लम्हे मेरे दिल से ये बात निकली कि ये जो है ही विल बी जस्ट बैक सो वेरी सून, ये हो ही नहीं सकता, अभी इनको इतना बहुत कुछ करना है. तो बहरहाल उस वक्त मैंने एक छोटी सी नज़म लिखी थी और वो बहुत मेरे दिल से निकली थी, तो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ. और मैं सिर्फ ये इसका जो आखिरी है उस पर आप गौर करें कि आज हम वो सेलिब्रेट कर रहे हैं जिस पर मैं जो मैं होप्स लिए बैठी थी. तो डॉक्टर खालिद से फ़ोन पे बात होती है, फिर मैं बैठती हूँ थोड़ी देर सोचती हूँ, फिर मैंने ये अल्फाज लिखे बग़ैर किसी एडिटिंग के. ये अल्फाज थे कि खबर आई है कि सुखनवर खुशलहान ने खामोशी की चादर ओढ़ ली है, अल्फाज इस फसीह की गुलामी करते शायद थक चुके थे. खबर आई है कि सुखनवर खुशलहान ने खामोशी की चादर ओढ़ ली है, अल्फाज उस फसीह की गुलामी करते शायद थक चुके थे, थोड़ी देर सस्ताने को बैठ गए होंगे, लेकिन जल्द ही अपने हुस्न अदायगी की याद में बेचैन होकर जबरदस्ती तुम्हारे लबों पर नाचने लगेंगे, क्योंकि उनके हुस्न को तुम जैसा संवारने वाला कहाँ मिलेगा. तुम अपने होंठों को सोच की चादर तले कुछ दिन सुकून लेने दो, मगर ताज़ा दम होकर जब ये फिर से अपना नगमा सुनाने पर आएंगे तो फिर ये अल्फाज दम नहीं लेने देंगे. और जब आज खालिद सुहेल ने ये ख़बर शेयर की कि ये उनके साथ बैठते हैं और उनकी शायरी का जो कलेक्शन है उस पर काम कर रहे हैं और वो इंशाल्लाह जल्द ही हमारे सामने हमारे हाथों में किताब की शक्ल में आएगी, तो मैं ये कहती हूँ कि ये जो आखिरी दो लाइनें हैं अपना नगम फिर ये ताज़ा दम होकर जब ये फिर से अपना नगमा सुनाने पर आएंगे तो फिर ये अल्फाज दम नहीं लेने देंगे. और अब इंशाल्लाह हमारे सामने आपके सारे आपकी बातें और सब जो हैं पहले से ज़्यादा इंटेंसिटी से हमारे सामने आएंगी और आपकी किताब की हमें बहुत ज़रूरत है, क्योंकि आपकी बातों में हमने आपकी शायरी बहुत सुनी है लेकिन हमें कहीं पर लिखी हुई इस तरह हमारे हाथ नहीं रही. मैं बहुत खुश हूँ आपको आज यहाँ पे देख के, और ये सब लोग बातें कर रहे थे लेकिन मैं वहाँ पे बैठी थी कि ये कब बोलेंगे ताकि मुझे पता चले कि अब ये बिल्कुल पहले की तरह बोलते हैं. तो माशाल्लाह से आप पहले की तरह बोलते हैं और सब कुछ ठीक ठाक है, और मैं आपको इस पर मुबारकबाद देती हूँ और हम आपको उसी तरह हंसता मुस्कराता बोलता देखना चाहते हैं. बहुत शुक्रिया मुझे मौका देने का. जैसे ये सच्ची बात है कि जब अमीर हुसैन जाफरी हॉस्पिटल में दाखिल हुए तो उसके बाद जो दोस्तों से